महनीय जनों को प्रणाम करता हूं और माननीय जनों को भी करता हूं। महनीय लोगों को इसलिए करता हूं कि वो किसी को भी माननीय बना देते हैं और आजकल तो किसी को ही बना देते हैं। रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी मेरे भैया बैठे हैं, श्री कुमार उपाध्याय भैया बैठे हैं, सब यहाँ भाजपा में मेरे बड़े भाई काम करते हैं। तो पहले तो कभी क्या होते हैं, हालांकि बात यहाँ से शुरू हो कि कविता जो है इस आपाधापी के समय में हार्ड मांस के इस पुतले को जो समाज मशीन बना के रखा है उस मशीन में पुनः प्राण डाल के उसे पुनः मनुष्य बनाने का कार्य करती है। इसके लिए टीम सदा नीरा और भाई सर्वेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, राजद के लोग हैं ना तो कहा जाएगा छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। व्यंग के कवि के रूप में थोड़ी प्रसिद्धि प्राप्त है, बहुत थोड़ी छोटा सा कवि हूँ, आपके अगल बगल का हूँ, यही मेरा घर है, मेरा अधिकार भी है, थोड़ा सा मुझे अच्छे से सुन लीजिएगा क्योंकि केवल मेरा दायित्व तो है नहीं, आप लोगों का भी है। और हम लोग सुन ही रहे हैं, हम लोग सुन ही रहे हैं रास्ता क्या है। कवियों के बारे में या कलमकारों के बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ, आज भी अपनी बात वहीं से शुरू करता हूँ, समीर जी आरती मैडम, कि वह जो जोतता है पेट पन्ने का कलम की नोक से और स्याही की एक एक बूंद से एक एक हर्फ पुकारता है, गुजरता है अभावों से तब जाके कविता में होता है। जो रोते को हंसाता है, जो सोते को जगाता है, कि अपनी आह से जो बाह के अफसाने गाता है, आंसू की एक एक बूंद से एक एक अक्षर गढ़ता है, उसके लहू की है गुलाली जिससे कि कविता का सूरज है। अब कलम से गिरते हैं जो अर्श कागज पर की चाप अचानक बोल उठते हैं, कलम से गिरते हैं जो अर्श कागज पर की चाप अचानक बोल उठते हैं, राज अपना हो जमाने का हो सब बोल उठते हैं, इन्हीं से आग जलती है, इसी से खाक चलते हैं और कलम विद्रोह कर देते सिंहासन को, कलम विद्रोह कर देते सिंहासन को, बोल उठते हैं, इन्हें उतारने में स्याही और स्याह होती है, इन्हें उतारने में स्याही और स्याह होती है, आपको खुश करने वाली कविता में न जाने कितनी चीख और कितनी आह होती है, पहाड़ों को पसीना आता है, मरुस्थल को भी जीना आता है, धरती पत्थर में भी सावन का महीना आता है, रिमझिम सी फुहारें पड़ती है, कविता झरझर आंखों से झरती है, यह मेहंदी की मानिंद है मगर इतिहास रखती है, यह मेहंदी की मानिंद है मगर इतिहास रखती है, और सब कुछ डूब जाता है फिर भी कविता रखती है, सब कुछ डूब जाता है फिर भी कविता रखती है। नेताजी लोगों को भी कुछ कहना है भैया, मैं बहुत अच्छे से कहता हूँ रवि भैया कि नेता अच्छे होते हैं, नेता अच्छे होते हैं, उनमें भूख होती है, अफसर अच्छे होते हैं, उनमें प्यास होती है, इस भूख और प्यास में वे खाते हैं मांस, पीते हैं खून, जिससे मिलता है सुकून, बस इतना सा है जमहूरियत का मतलब, बस इतना सा है जमहूरियत का मतलब। तो पार्टी विशेष पे कोई बात नहीं कहने हैं, मैं प्रेम का ये लड़का गीत गा रहा था, बहुत चल रहा था और आगे सब प्रेमी बैठे थे, और मैं अक्सर कहता हूँ प्रेम ही पढ़ना चाहिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रेम समंदर की तरह है, अगर आप उसके बगल से टहल रहे हैं तो आप प्रेमी हैं, अगर आप समंदर में तैर रहे हैं बैठ करेंगे तो आप दीवाने हैं, लेकिन आप डूब गए तो आप पति हैं। तो कुछ राज खोल हूँ, कुछ थोड़ा बहुत बता दूँ आप लोगों को, हालांकि मैं संबंधों पे ज्यादा कहता हूँ, गांव में आया हूँ, मन में ये था कि थोड़ा कुछ और भी पढ़ा जाए, लेकिन पहले प्रेम का अध्याय समाप्त कर दिया। तो मैंने कहा कि उसने कहा दरी तो बिछ गए हैं, उसने कहा दरी तो बिछ गए हम, उसने कहा पर्दा तो लटक गए हम, और खुद से नहीं हुए हैं बेमंजिल, पहले कभी थोड़े हैं,
खुद से नहीं हुए हैं बेमंजिल, उसके इशारे के चक्कर में भटक गए। अरे क्या बात है। तो एक कविता है कि समीर भाई आज दिला रहे थे स्वागत कि हाँ सर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े भाई का एक बहुत बड़ा तीरंदाज था, उसका निशाना कभी छूटता नहीं था। तो एक बार बहुत ख्याल हो गई थी, बहुत तगड़ा निशानेबाज अर्जुन है। एक बार उसने अपने लड़के को कहा कि मेरा कमाल देखो, चलो जंगल में ले चलते हैं आज निशाना देखना। में और देख रहे हैं लड़के को हिरण, हिरण वाला मामला आजकल बहुत चल रहा है, तो काला नहीं सफेद रहा हो है। तो हिरण पे निशाना लगाया है और बंदूक चलाई लेकिन निशाना चूक गया। नेताजी लोगों पे निशाना चूक गया, लेकिन नहीं क्या थी कि कहे कैसे कि निशाना चूक गया। बेटे क्या वो देखो निशाना तुम्हारा ना। मैंने हिरण दौड़ और कूद के भाग कर लड़का कहा कि तुम्हारा क्या कहा, चमत्कार हो गया, मेरे मारने के बाद मरा फिर भी उसके लाग गया। तो इस देश में एक झूठ को हम लोग ढोते हैं, उसी झूठ का एक हिस्सा प्रेम भी है। मैं एक आप बीती सुना देता हूं कि नीली आंखों वाली लड़की अब रखाया है कि नीली आंखों वाली लड़की, लंबे बालों वाली लड़की, चटक छरहरी सांस दोपहर मेरा सिर खाने वाली लड़की, मुझे सताने वाली लड़की, याद बहुत आती है मुझको छोड़ के जाने वाली लड़की, याद बहुत आती है मुझको। सभी को अपने अपने आप बीती याद आ रही है और आगे ये जो विवाहित ग्रुप बैठा है इनका वीडियो भाभियों को भेजना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ इतने एक्साइटमेंट के साथ समर्थन आ रहा है। स्वागत है। बातें बन समझाने वाली, मेरी समझ न आने वाली, बकबक खत्म करने वाली, पलने जीने मरने वाली, बात बात पे लड़ने वाली, मुल्तानी अफगानी लड़की, याद बहुत आती है मुझको छोड़ के जाने वाली। और वह हस्ती थी खूब ठकाकर, जब आकृति भाषण दे रही थी तो हमारे जमाने की लड़कियां आजकल नहीं पाई जाती हैं, इस कविता के इस बंद को देखिएगा कि वह हस्ती थी खूब फटाकर, माँ के सारे काम बताकर, मुश्किल हर सुलझा लेती थी, पल में मुझे मना लेती थी, पापा की वह प्यारी लड़की, सब दुनिया से न्यारी लड़की, कंधों को उचकाने वाली, फिर ना वापस आने वाली, याद बहुत आती है मुझको छोड़ के जाने वाली। और एक प्रयोग रेशम में करुणाई जैसे सेमल में अरुणाई जैसे, गीत गजल सब गा लेती थी, मन ही मन इतरा लेती थी, कोपल से वह काट हो गई, माँ बाप की डांट हो गई, अब उसका सिंदूरी चेहरा जाने क्यों मुरझाए रहता, पीड़ा और पछतावे के वह कितने घाव छुपाए रहता, वह साथिन थी वही सहेली, परबस होकर बनी पहेली, अपने को भी भूल गई वह, किस फंदे पर झूल गई वह, माँ बाप की इच्छा खातिर सूली पर चढ़ जाने वाली, मेरे पास ना आने वाली, यह बहुत आती है मुझको छोड़ के जाने वाली। बहुत बहुत आभार परिवर्तन जी। ये श्रीनेत जी जब गा रहे थे ना तो मेरा मन हो रहा था कि मैं भी गाऊं। तो भैया बात मान जाओ कभी किस काम का, हम अगर अतिक्रमण न करें नियमों का तो हम फिर सृजक है नहीं, तो बिना स्वर के गाऊंगा, आप लोगों के प्यार में गाऊंगा। पहले माहौल बनाते हैं। कई बार हम उल्टे सीधे आड़े टेढ़े रास्ते से भी सही जगह पहुंच जाते हैं। मैंने कहा कि मैं गलत राह पर चल पड़ा था, मगर
था सलीका की सच्ची डगर मिल गई और बस जकड़ने को था एक दलदल मुझे, बस जकड़ने को था एक दलदल मुझे। इससे पहले ही तुमसे नजर मिल गई, मैं गलत राह पर चल पड़ा था, मगर सब दीवाने बैठे हैं तो दर्द था तो दवा की जरूरत न थी। हमने देखी कभी वैसी मूरत न थी, और राज इसका किसी ने भी खोला नहीं। आईना बेजुबा कुछ भी बोला नहीं, और एक पल को वो गुजरा बगल से मेरी। दिल के अंदर की सारी परत हिल गई, मैं गलत राह पर चल पड़ा था, मगर ये भूमिका जिसके लिए पड़ी है, दरअसल 14 फरवरी आने वाला है, और 14 फरवरी के एक महीना दो महीना पहले से करणी सेना, भरणी सेना, शिव सेना, तमाम सेना के लोग डंडे अपने सजाने शुरू कर देंगे, और वो डंडे चलेंगे फूलों पर और फूलों की आंखों से आंसू निकलेंगे। तब एक प्रेम का गीत आप सबों को समर्पित करने की कोशिश करता हूँ। उन नफरतों के बरक्स उन फूलों के आंसू का गीत पढ़ने जा रहा हूँ मैं। मंच का भी ध्यान चाहूंगा सुदीप भाई, अध्यक्ष जी, आप सबकी अनुमति से सुभाष भैया मैं गा रहा हूँ। स्वागत। तो वो गीत नई पीढ़ी का गीत, थोड़ा समय पर ध्यान रहेगा अपनी सीमा और मर्यादा को, बीच में टोको भी कसूर होना चाहिए, जितना बोलोगे उतना तो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूँ अच्छी व्यवस्था। तो मैं कह रहा था कि नई पीढ़ी का सवाल है, सिर्फ गीत नहीं है, किसी को अपने स्वर पे भरोसा है तो किसी को शब्द पे भरोसा है, सिर्फ शब्द पे ध्यान दीजिए। कि जिसने चाहा नहीं हो किसी को कभी, आदमी एक ऐसा बता दीजिए। जिसने चाहा नहीं हो किसी को कभी, और रूप में रंग में कभी खोया न हो, रूप में रंग में कभी खोया न हो, तो मुझको उस देवता का पता दीजिए, मुझको उस देवता का पता दीजिए। कि जिसने चाहा नहीं हो किसी को कभी, आदमी एक ऐसा बता दीजिए, और रूप में रंग में कभी खोया न हो, मुझको उस देवी भाव की संकल्पना को भारत भूमि ने विश्व में प्रचारित किया। हमने कहा यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते कर्तृदेवता, नागरिणे गृहमुच्यते, बिना मैरारी के घर घर लाई होना। तो हम सभी के अंग पर स्वयं अधिष्ठात्री विराजमान है, हमारे कार्यक्रम के आयोजक लोगों के अभिभावक स्वयं हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आइए, कविता की परंपरा का जो निर्माण है, वो लोग है ना, हमारे वहाँ एक गाड़ी भी आती है, हमारे वहाँ एक बच्चे का नया नरखा भी आता है, तो हम लोग कहते हैं बाबा पनीर की तली मंदिर और किरण बाग भोग।
हम अपने गाड़ी में तिलक करते हैं, हमने अपनी छोटी से छोटी उपलब्धियों को ईश्वर के साथ बांटना सीखा है, हमने अपने गीतों को कविताओं को अपने शब्द सामर्थ्य को अधिष्ठान बजरंग बली हर बला को ताल देते हैं, बजरंग बली हर बला को ताल देते हैं, सतसंगी संत सज्जनों को ढाल देते हैं, माथ धरो पांव पड़ो श्री राम भक्त के। सर भैया अगली पंक्ति सदा नीरा टीम के लिए है, माथ धरो पांव पड़ो श्री राम भक्त के, अंजलि के लाल काज हर संभाल देते हैं, अंजलि के लाल काज हर संभाल देते हैं। सावन के गीतों में, सावन के गीतों ने मुझको रुलाया है, सावन के गीतों ने मुझको रुलाया है, झूलों पे बैठे बैठे, झूलों पे बैठे बैठे एक दर्द चुभा, मुझको रुलाया है। प्रियतम तेरे जाते ही, प्रियतम तेरे जाते ही मेघ भी टूट के बरसा है, प्रियतम तेरे जाते ही मेघ भी टूट के तन गीला और मन गीला कर, तन गीला और मन गीला कर मुझको तरसाया है, सावन के
को रुलाया है। जा रे बादल गांव से जा, बहुत हुई तेरी मनमानी। जा रे बादल गांव से जा, बहुत हुई तेरी मनमानी। तूने तो कई अखियन से, तूने तो कई अखियन से आंसू बरसाया है। सावन के गीतों ने मुझको रुलाया है। बागों के फूल हैं चुभते, काटे अच्छे लगने लगे। बागों के हैं फूल चुभते, काटे भी अच्छे लगने लगे। तेरी यादों में फूलों ने, तेरी यादों में फूलों ने मुझको मुरझाया है। सावन के गीतों ने मुझको रुलाया है। और हम रुलाई है, दिल में जलन है, आंखों में तूफान। दिल में जलन है, आंखों में तूफान। मन में प्यास भरी है, दिल में जलन है, आंखों में तूफान। मन में प्यास भरी है, तेरी यादों के सावन ने, तेरी यादों के सावन ने मुझको तड़पाया है। सावन के गीतों ने मुझको रुलाया है। सावन के गीतों ने मुझको रुलाया है। चार पंक्तियां सुन ले, सर्वेश जी कहाँ गए, जरा सुन ले चार पंक्तियां। अभी आते आते आती है जब भी मुश्किलें, जाते हैं हम निखर। आती है जब भी मुश्किलें, जाते हैं हम निखर। हिम्मत हमारी दोस्त है, मेहनत है हम सफर। आती है जब भी मुश्किलें, जाते हैं हम निखर। हिम्मत हमारी दोस्त है, मेहनत है हम सफर। अपने लहू से लिखेंगे इतिहास एक नया, अपने लहू से लिखेंगे इतिहास एक नया। गोपालगंज घर है तो किस बात का है डर। वाह, क्या क्या सलीके से कहा है भाई, वाह क्या सलीके से कहा है। गोपालगंज घर है तो किस बात का है डर। चार पंक्तियां सुनने के, इश्क वाले हैं प्यार वाले हैं, इश्क वाले हैं प्यार वाले हैं, हम खिजा में बहार वाले हैं। इश्क वाले हैं प्यार वाले हैं, हम खिजा में बहार वाले हैं। मुस्कुराकर जो देखिए हमको, मुस्कुराकर जो देखिए हमको, जान दे दे बिहार वाले हैं। जान दे दे बिहार वाले हैं। हम आए तो सर्वे जी सबसे पहले बोले कि भैया रुआ 6-7 साल पहले लिख रहे नहीं तो बूढ़ लगा था, नहीं अपना जवान के हो गई। तो चार पंक्तियाँ सुन ले और के उसका कारण मैं बता रहा हूँ। और ये बहुत मोहब्बत पर पढ़ रहे थे आशुतोष भाई। ये अकेले में अकेला नहीं होने देता, ये अकेले में अकेला नहीं होने देता। एक एहसास जो तन्हा नहीं होने देता, थाम कर वट हर इच्छा को गुलाबी कर दे। इश्क इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता, इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता। वाह,
इनके समीर जी के जवान होने का एक बहुत बड़ा राज ये है कि ये जीएसटी में पदाधिकारी है। 18% एक्स्ट्रा है। समझ गए। इसका नतीजा ये है कि खूबसूरत तमाम तस्वीरें दिल की गहराइयों में घूम कर दी और एक शायर ने जिंदगी अपनी टैक्स की फाइलों में घूम और एक मतलब जो शेर मुहब्बत हुई है निभाते रहेंगे, मुहब्बत हुई है निभाते रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं तुम्हारे रहेंगे, मुहब्बत हुई है। माइक बोलना जरा भाई, मैंने माइक वाले को जब पता चला है, माइक वाले को जब पता चला कि जीएसटी वाले हैं तो दो माइक लाए। ये पदाधिकारी से डर ऐसा होता है। हाँ जी समीर जी, मुहब्बत हुई है निभाते रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं तुम्हारे रहेंगे, हवाओं में उल्फत की खुशबू रहेगी, हवाओं में उल्फत की खुशबू रहेगी, हवाओं में उल्फत की खुशबू रहेगी, फजाओं में चाहत के वादे रहेंगे, फजाओं में चाहत के वादे रहेंगे। और ये शेर सुनिए, अंधेरों डराने की कोशिश न करना, अंधेरों डराने की कोशिश न करना, बिहारी हैं हम जगमगाते रहेंगे, बिहारी हैं हम जगमगाते रहेंगे, मोहब्बत हुई है। और एक गजल, पूरी गजल इरशाद होता है, हम तीनों से बचवा रहे हैं उस बात के विचार। बहुत बहुत शुक्रिया। रिश्तों के यहाँ पल पल संसार बदलते हैं, रिश्तों के यहाँ पल पल संसार बदलते हैं, हर रोज कहानी में किरदार बदलते हैं, हर रोज कहानी में किरदार बदलते हैं। फिर सुनिए, स्वागत। होठों पे मुहब्बत है, आंखों में तिजारत है, होठों पे मुहब्बत है, आंखों में तिजारत है, इकरार बदलते हैं इनकार बदलते हैं, इकरार बदलते हैं इनकार बदलते हैं। एक शेर, स्वागत अता। हर मोड़ पे नफरत के पत्थर है पड़े, लेकिन हर मोड़ पे नफरत के पत्थर है पड़े, पत्थर है पड़े, लेकिन दिल वाले कहाँ अपनी रफ्तार बदलते हैं, दिल वाले कहाँ अपनी रफ्तार बदलते हैं। आप सब लोगों को सुना रहा हूँ, स्वागत। ध्यान से सुने के, आदत है अलग अपनी, फितरत है जुदा ठहरी, अंतर बता रहा हूँ आप लोग समझ जाएंगे, आदत है अलग अपनी फितरत भी जुदा ठहरी, तुम यार बदलते हो हम कार बदलते हैं,
आदत है अलग अपनी, फितरत भी जुदा ठहरी। तुम यार बदलते हो, हम कार बदलते हैं। और आखिरी शेर, यहाँ बहुत राजनीतिक दल के लोग भी बैठे हुए हैं। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इनके डर से लोग व्यापार बदलते हैं। जिंदाबाद वाह 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 वाह। कम तर न समझ लेना परिमल की फकीरी को, कम तर न समझ लेना परिमल की फकीरी को। एक वोट के दम पर हम सरकार बदलते हैं। रिश्तों के यहाँ पल पल सरकार बदलते हैं। हर रोज कहानी यहाँ पे कार जो है वो श्लेष अलंकार है। जोरदार तालियां भाई लोगों के कहने पे। आदत है अलग अपनी, फितरत भी जुदा ठहरी। आदत है अलग अपनी, फितरत भी जुदा ठहरी। तुम यार बदलते हो, हम कार बदलते हैं। कार बदलते हैं, सरकार बदलते हैं। आप परिमल जी को सुन रहे थे। बड़ा मुझे भी कभी कभी लगता है कि कवियों के मंच से बहुत बार हमारे राजनीति के लोगों को उलाहना भी दे दी जाती है। लेकिन मुझे एक प्रसंग याद आता है जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। एक समय था जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और दिनकर जी कविता कर रहे थे, और दोनों लोग एक साथ जा रहे थे और नेहरू जी लड़खड़ा गए, दिनकर जी उन्हें संभाल लिया। तब दिनकर जी ने कहा कि जब जब देश पर आफत आई है तो राजनीति को कवियों ने संभाला है। तो ये हमारा आपका आपत्ति संबंध है। अटल बिहारी वाजपेयी को जितना सदन में सुना गया उतना ही मंचों पर सुना गया। अटल बिहारी वाजपेयी का एक प्रसंग याद करिए। एक पाकिस्तानी महिला पर उनका हृदय आ गया, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे विवाह कर लें। तो उन्होंने कहा कर लीजिए, लेकिन वो देखाई में हमको कश्मीर चाहिए। तो कहे ठीक है, आप दहेज में पाकिस्तान लेते आइएगा। तो ये कविता का जो सामर्थ्य है वो ऐसा है। आइए आमंत्रित करते हैं एक ऐसे कवि को जिनके गद्य और पद्य दोनों में बड़ी शानदार रवानी है। गद्य जो है वो साहित्य की कसौटी है, और जिस कवि ने गद्य का दामन थाम लिया उसकी कविता बाकियों से अतिरिक्त यात्रा करती है। ये मेरा अनुभव कहता है। शांत मुख और स्निग्ध मन, शांत मुख और स्निग्ध मन आभरण रत्नहार, शांत मुख और स्निग्ध मन आभरण रत्नहार। पुलक पुलक प्रकृति पर बरसते श्रावणी घनसार, शांत मुख और स्निग्ध मन आभरण रत्नहार। पुलक प्रकृति पर सरसते श्रावणी घनसार, नयन नयन ज्यों ठहरे हुए हों तुहिन कन लघु भार, नयन ज्यों ठहरे हुए हों तुहिन कन लघु भार। झिल मिलाते लट अधर पर, झिल मिलाते लट अधर पर चूमते रससार, स्निग्ध मन पर आभरण रत्ना। वाह क्या कहने भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, यह भाषा देखिए, यह अपनी हिंदी की शक्ति देखिए। वाह वाह वाह, इस पे लोकेश ताली का कम बजे, शरीर झूमे और गर्दन झूमे, कविता हो गई। स्वागत है। वाह 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 वाह, क्या क्या ही सुंदर लेख है। वाह, पहली बार अगर इतना प्रेम मिला है तो भविष्य के क्या कह सकता है। तदा नीरा है भैया, यहाँ जी आवे लाए हो जाता। स्वागत है। नयन ज्यों ठहरे हुए हो तुहिन कन लघु भार, झिल मिलाते लट अधर पर चूमते रसा। तुम तिमिर में एक दिए की बोलती आलोक,
तुम तिमिर में एक दिए की बोलती आलोक, तुम तिमिर में एक दिए की बोलती आलोक, लिख दिए मैंने तुम्हारे लोल में प्रश्न। वाह 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 वाह। तिमिर में एक दिए की बोलती आलोक, लिख दिए मैंने तुम्हारी लोल लय पर शोक। तुम हथेली पर रहो जो तितलियां भंवर, तुम हथेली पर रहो जो तितलियां भंवर, तुम हथेली पर रहो जो तितलियां भंवर, मंद्र सरिता ध्वनि से निःश्वास से भर कर्ण। तुम हथेली पर रहो जो तितलियां बहुवर्ण, मंद्र सरिता ध्वनि से निःश्वास से भर कर्ण, तुम विराजो इस हृदय में अरि शशि सुख सार। वाह। तुम विराजो इस हृदय में अरि शशि सुख सार, आज करना चाहता हूँ पार यह संसार। वाह वाह वाह। तुम विराजो वाह 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 वाह। एक बार भरपूर तालियां। वाह 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 वाह। क्या सुंदर, क्या दिव्य अनुपम कविता की शक्ति देखिए। वाह 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 वाह। ये तो मंगलसूत्र स्टाइल है भैया, लोकेश भैया। मुझे कहने दीजिए कि जो 60 से 70 के दशक में हम लोग प्रसाद दिनकर की कविताओं की भूली बिसरी कहीं से ऑडियो या वीडियो क्लिप मिल जाती है, लग रहा है कि वही कविता यहाँ निश्चित हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद। ये सदानीरा का चयन है, ये सदानीरा का चयन है। पहली बार एक लड़का मंच पे आ रहा है और ये पढ़ रहा है। वाह, स्वागत है। अब एक मुक्तक समाधि समझ लीजिए, ये अपने धीरे धीरे अपने परिपाक पर पहुंच रही है कविता। स्वागत। कि तुम विराजो इस हृदय में अरि शशि सुखसार, आज करना चाहता हूँ पार यह संसार। मृदुल मणिगह खोलता है पाटलों के द्वार, पाटल फूल के जो पंखुड़ियां रहती है। मृदुल मणिगह खोलता है पाटलों का द्वार, स्वागतम कर कुसुम रस के मधुकरी अभिसार। स्वागतम कर कुसुम रस के मधुकरी अभिसार। कितने प्रांजल, कितना सुंदर। एक है कि कभी कभी मैं कह लोग ही हम सबके बीच से कहते हैं कि अरे भगवान की पूजा किए कुछ होता होता है नहीं, क्या ही इसका फल है। कभी कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो उससे प्रेम किए कुछ मिला नहीं, एक तरफा तो है, तो दोनों एक सांसारिक एक पारमार्थिक है, तो है दोनों भाव का आरोहण लगभग एक समान ही है। तो उसी पर है कि क्या इसका प्रतिफलन होता है, वास्तव में हम क्या समझते हैं। जो मैंने समझा है उस हिसाब से मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ। स्वागत। ओ मेरे सविशेष, ओ मेरे सविशेष, हाँ प्रयोजन कुछ नहीं। ओ मेरे सविशेष, हाँ प्रयोजन कुछ नहीं, बस श्राद्ध है अभ्यर्थना यह। ओ मेरे सविशेष, हाँ प्रयोजन कुछ नहीं, बस श्राद्ध है अभ्यर्थना यह। बीत जाएगा दिवस, बीत जाएगा दिवस, ये पुष्प भी निर्माल्य होंगे। ओ मेरे सविशेष, हाँ प्रयोजन कुछ नहीं, बस श्राद्ध है अभ्यर्थना यह। बीत जाएगा दिवस, ये पुष्प भी निर्माल्य होंगे, पर कहाँ श्रद्धा रुकी है, पर कहाँ श्रद्धा रुकी है। क्या क्या किसी विग्रह ने किंचित, कोई देवता का विग्रह, क्या किसी विग्रह ने किंचित भाव से अभिभूत या करुणा से कातर हो, क्या किसी विग्रह ने किंचित भाव से अभिभूत या करुणा से कातर हो, किसी मधु अर्ध का सम्मान रखा। क्या किसी विग्रह ने किंचित भाव से अभिभूत या करुणा से कातर हो, किसी मधु अर्ध का सम्मान रखा। बह गई श्रद्धा थी, बह गई श्रद्धा थी माध्यम पाद प्रक्षालन का बन,
पर कहां अर्चक लगा। जो हम चढ़ाते हैं वो तो पैर से होकर के नीचे चरणामृत बन जाता है, जो भी है पैरों से होकर बह जाता है। क्या किसी विग्रह में किंचित भाव से अभिभूत या करुणा से कातर हो, किसी मधु अर्थ का सम्मान रखा। बह गई श्रद्धा के माध्यम पाद प्रक्षालन कवन, पर कहां अर्चक लगा। अर्चना क्या निमिष भर भी, पर कहां अर्चक रुका। अर्चना क्या निमिष भर भी, और ऊंची हो गई वह भावना भावक के मन में, और ऊंची हो गई वह भावना भावक के मन में, पांव छूकर लौट आया भक्ति भारित अर्थ। ललित कला एकेडमी में एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगी थी, तो एज एन आर्टिस्ट मुझे जाने का सौभाग्य मिला। तो उसके जो चीफ गेस्ट आए थे वो अमेरिका के NRI आर्टिस्ट है और उनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है, उनका नाम है रिचर्ड सैमसन। तो वहाँ जो अध्यक्ष थे वो भी बिहारी थे और अधिकांश कलाकार बिहारी थे। तो उन लोगों को मेरी ये रचना सुन पहले सुन रखा था उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि ये कविता सुना दो। तो वो इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे थे, पूरे पूरे अमेरिकन थे, लॉस एंजलिस में रहते थे आर्टिस्ट साहब। जब मैंने कविता सुनाई तो लंच ब्रेक जब ब्रंच टाइम हुआ तो आके कहते हैं कहा कि भाई हाई तो हम बिहार के पटना के रह नहीं एले में, मगर तार कविता सुन के हमारा पूरा बिहारी जाग गया। और उसके बाद से उस कविता को हर साल बिहार दिवस पे लॉस एंजलिस में वहाँ की बिहारी कम्युनिटी एंथम सॉन्ग के तौर पे बजाती है। तो ये उपलब्धि है बिहार की, मेरी नहीं। तो बस कविता सुनाता हूँ और एक नैरेटिव सेट किया गया कि बिहार से मजदूर जाते हैं, बिहार में मजदूर होते हैं, साहब मजदूर होते हैं, शहरों की गगनचुंबी इमारती की जो ईंटें लगाते हैं वो भी मजदूर बिहारी होते हैं, लेकिन उस गगनचुंबी इमारत के अंदर रहने वाले अधिकारी भी बिहारी होते हैं, ये कभी मत भूलिएगा। और दिनकर की धरती पे जो आज साकेत ने जो कविता पढ़ा है, भोजपुरी मैथिली अंगिका मगही भाषाओं का विस्तार हूँ, मैं भारत का कंठहार हूँ, मैं गौरवशाली बिहार हूँ, मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूँ, मैं विष्णुगुप्त का धैर्य हूँ, मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूँ, मैं विष्णुगुप्त का धैर्य हूँ, मैं वीर कुंवर सिंह खुदी राम और जयप्रकाश का शौर्य हूँ, माँ सीता और अहिल्या के सतीत्व का अहंकार हूँ, मैं भारत का कंठहार हूँ, मैं गौरवशाली बिहार हूँ। सारण की धरती से रिविलगंज गौतम स्थान से आते हैं हम और हमारे चाचा उदय नारायण सिंह, महर्षि दधीची आश्रम वहीं पे है। मैं दधीची के वज्र का प्रहार हूँ, मैं पोरस सा फौलादी दीवार हूँ, मैं दधीची के वज्र का प्रहार हूँ, मैं पोरस सा फौलादी दीवार हूँ, मैं अशोका की भयंकर तलवार हूँ, मैं बुद्ध और महावीर के ज्ञान का संचार हूँ, मैं भारत का कंठहार हूँ, मैं गौरवशाली बिहार। जब दुनिया खाना बदोश जीती थी तो हमारे यहाँ लीचवी में पहला गणतंत्र था, मैं गणतंत्र का सार हूँ, मैं बापू के सपनों का आकार हूँ, राष्ट्रपिता कहे जाने वाले का पहला आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, मैं गणतंत्र का सार हूँ, मैं बापू के सपनों का आकार हूँ, नालंदा की धरा से मैं ज्ञान का प्रसार हूँ, मैं दिनकर रेणु बाण भट्ट और भिखारी का संसार हूँ, मैं भारत का कंठहार हूँ, मैं गौरवशाली बिहार हूँ, मैं शेर शाह की दहाड़ हूँ, मैं दशरथ माझी सा पहाड़ हूँ। मोहब्बत में आज के लड़के अपनी नसें काटते हैं, एक बिहारी आशिक ने पहाड़ काट दिया था दोस्त। मैं शेर शाह की दहाड़ हूँ, मैं दशरथ माझी सा पहाड़ हूँ, मैं ऊंच नीच का भेद नहीं, मैं जन गण मन का प्यार हूँ, मैं खाने में लिट्टी चोखा दही चूड़ा अचार हूँ, मैं भारत का कंठहार हूँ, मैं गौरवशाली बिहार हूँ। अंतिम पंक्तियों में अगर आपको अपने बिहार माटी का, अपनी संस्कृति और अपनी समरसता का अगर अंतस से आभास हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। बस मैं तालियां नहीं मांगता कि मैं डैड नहीं बाबू जी, मैं ब्रो नहीं भाई हूँ। व्हाट्सएप ब्रो के जमाने में भी हम आज मिल जाते तो कहते कारे भाई का हाल बा। मैं डैड नहीं बाबू जी, मैं ब्रो नहीं भाई हूँ, मैं मिस्र वाली मम्मी नहीं, मैं गाँव वाली माई हूँ। मैं डैड नहीं बाबू जी, मैं ब्रो नहीं भाई हूँ, मैं मिस्र वाली मम्मी नहीं, मैं गाँव वाली माई हूँ, मैं बड़ों का सम्मान हूँ, मैं छोटों का दुलार हूँ, इतनी सारी विविधताओं और खूबियों का भंडार हूँ, यूए नहीं मैं भारत का कंठहार हूँ, यूए नहीं मैं गौरवशाली बिहार हूँ। अगर तुमको हमसे शिकायत नहीं है, अगर तुमको हमसे शिकायत नहीं है तो फिर ये भी तय है मोहब्बत नहीं है।
अगर तुमको हमसे शिकायत नहीं है तो फिर ये भी तय है मोहब्बत नहीं है। सुनो जो भी दिल में है सच सच बताना, सुनो जो भी दिल में है सच सच बताना, हमें झूठ सुनने की आदत नहीं है। ये मोती मिलेगा तुम्हें जिस रकम पे, ये मोती मिलेगा तुम्हें जिस रकम पे, तुम्हारी नजर में वो कीमत नहीं है। बहुत से चमकते सितारे हैं उसमें, उन महफिलों में जहां चोरी करके पढ़ा जाता है। बहुत से चमकते सितारे हैं उसमें वो महफिल, मगर खूबसूरत नहीं है। और आखिरी शेर के साथ आप सबसे विदा लूंगा कि शराफत की चादर लपेटे मिलेंगे, शराफत की चादर लपेटे मिलेंगे वही लोग जिनमें शराफत नहीं है। पिछले 5 वर्षों में हिंदी में जितनी रचनाएं सर्वेश की चोरी हुई है, एक एक कहानियां 100-100 नामों से आज भी सोशल मीडिया में घूमते हैं। सैकड़ों लोग सर्वेश का लेख चुरा के लेखक बने हैं हिंदी में भाई। और ईश्वर आपको सामर्थ्य दे कि आपकी कविताएं चुरा के सैकड़ों लोग कवि, कवित्री और चार्टर प्लेन पर घूमे। ये इस धरती की ताकत है। तेल वाग्मी अरब में खट रहे भारतीय मजदूरों की दास्तां। किसी जमाने में भिखारी ठाकुर विदेशिया लेके आते हैं, हालांकि ये विमर्श का विषय है कि विदेशिया उनसे पहले भी पढ़ा जाता रहा, गाया जाता रहा, और ये भी माना जाता है कि विदेशिया गोपालगंज में लिखी गई थी, हमारे यहाँ कहीं किसी बुजुर्ग नाटककार की रचना थी। कि अब मीछू छेद रही निखाला, दिया ना पाछे खैमा, अब ही छूछे बिरहिन खालो, तियना पाछे खईह, अजब सत्ता में आई दुठनिया, तू 56 भोग लगैया। अजब सत्ता में आई दुठनिया, तू 56 भोग लगैया। तकीन बेसह के साथ 5 साझा सरकार बनाई, कीन बेसह के साथ 5 साझा सरकार बनाई। अकरबी घोटाला थे थरई में, लाज के भी लजवाई, तभी तरह हम सरकार में तू, अभी तरह हम सरकार में तू, बाहर मृदंग बजैहा, सत्ता में आई धनिया, तू 56 भोग लगैहा। तो होत फजीरे चमचन के जनता दरबार लगाए, अचोर डकैतन बट मरवन से रोज कमीशन खाई, आ तुहू ही भर खईहा, आपन हित परीत खियैहा। सत्ता में आई दुनिया, तू 56 भोग लगैहा। नहर खाड़ पोखरा इनार सब कागज पर खनवाई, कविता हो रही है। नहर खाड़ पोखरा इनार सब कागज पर खुनवाई, आ सड़क में गढ़हा ना रह जाई, चीप चाप सटवाई, खटोला पर सवार होके तू नहीं हर जइहा, उड़न खटोला। वाह 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 भाई, इमोशन है। उड़न खटोला पर सवार होके तू नहीं हर जइहा,
अजब सत्ता में आई धनिया तू छप्पन भोग लगैया त कहीं सुखार कतहूँ दहार के भरमन पर हम जाइब कहीं सुखार कतहूँ दहार के भरमन पर हम जाइब अफंद रिदी भुके राशन खाइब लमहर दोन फुलाइब फंदरी लीफ के राशन खाई लमहर तोन फुलाई त दुखियन के सोझा जा तू घड़ियाली लोर वाह भाई वाह वाह घड़ियाली लोर बहैया जब सत्ता में आई धनिया तू छप्पन भोग लगैया भिन सहरे अपसरवन के हम फुनवे पर धमकाई भिन सहरे अपसरवन के हम फुनवे पर धमकाई अब बांधल बा चुक्की खाड़ा सब सलगा सोझ कर आई के जूती मंगवई लंदन शाल के जूती मंगवई लंदन शाल धोई देखी गायन कविता के हिम्मत और देखी नेता जी को कितना प्यार से समझता ताली नेता जी जो करते देखी समझी वाली गाड़ी वाला फील लेके वो लोग सुनाता यही से उन लोग एकदम आनंद में बा देखी वहाँ लोग कभी दोष नहीं बा राजनीति की ऐसा यात्रा हो गई बा अब बहुत हिम्मत की कविता मंच से हो रहा थी बा और यह एक और बात समझ में आवे ना कि विरोध करते चिल्लाए के ना पड़े बा कितना सुंदर तो हम कुछ कह ली एक सेकेंड ई कविता अगर सुनावे के बता एको माइक है केहू सबके बाध्य ले लियो तो पर कोई बिना माइक के सब चिल्लाता होने से एहू सबके पक्ष सुन लिया जाए अभी भैया एकदम पड़ जाए भैया मैंने केत्र सिद्ध कर दिए जा विधानसभा में नहीं जा भैया हम दिखे एगो एक कविता के प्रशंसा तो होते बा लेकिन एक कविता के समर्थन में एक कविता के समर्थन में कितना लोग आई रहो एक कविता के समर्थन में कितना लोग माला पहरावल हो राहुल भविष्य उज्जवल बा पहल जा स्वागत बा 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 बहुत सुंदर वाह बहुत बड़े कवि ज्ञान प्रकाश है गुलाम हमारे बीच आ चुके हैं स्वागत है भिन शहरे अब शरवन के हम फुनवे पर धमकाई आ बांधल बा टुकी खाड़ा सब सलगा सोझ कराइब तपेरिश के जूती मंगवई लंदन शाल धोई जब सत्ता में आईब धनिया तू छप्पन भोग लगैया वाह तो छूट दे दे हब अधिकारियन के लूट खूब मचवाएब गप चपंड हम हर विभाग में लाल बत्ती जरवाएब छूट दे दे हब अधिकारियन के लूट अगला मुखिया ही हो छूट दे दे हब अधिकारियन के लूट खूब मचवाइब अगपच फंड हम हर विभाग में लाल बत्ती जरवाइब तो नौलाखा तब हार पहिर तू झमक झमक झमकैया
अरे नौलाखा तब हार पहिर तू झमक झमक झमकैया जब सत्ता में आई धनिया तू छप्पन भोग रेत पर घर बना के का हुआ इतना बोझा उठा के का हुई रेत पर घर बना के का हुई अब प्रेम के मूल जब ले ना जानो दूगो पैसा कमा के का शेर देखी के खूबसूरत भले बहु मूरत संजय बाबू खूबसूरत भले बहु मूरत बेसबब दिल लगा के का होई आ जौना धंधा में फायदा नहीं के उमे पूंजी फंसा के का होई जे हुंकारी भरे से हम आई अब कहानी सुना के का होई आ सब गौखिया में खून लौकता प्रेम के गीत गा के का दू चार लाइन और सुन ली हमारे घर भाई सफल बनी मेजबान बनी सर्वेश जी आ वहाँ का पूरा टीम के बहुत बहुत बधाई भोजपुरी खातिर सब बहुत बड़ा काम साहित्य खातिर बहुत बड़ा काम होगा अनहोनी काम होगा यहाँ मंच पर सिद्धार्थ लोग बैठल बा नुमानी साहब कह के ये बजमे मैं है जामे जम नहीं है यहाँ कोई किसी से कम नहीं है एक एक लोग एक से एक बिंब हमने के देखनी है सन तो अपना माटी के शान हो बबुआ अपना माटी के शान हो बबुआ भोजपुरी जबान हो बबुआ एमे आंगन भी बा दुआर भी बा एमे आंगन भी बा दुआर भी बा ई पुरनका मकान हां बाटे व्यवहार को उधार मिली बाटे व्यवहार को उधार मिली मोल ना हो दुकान हो दो चार लाइन अभी खाली स्वागत के थोड़ा सा मुजूर लोग बा थोड़ा सा मुजूर लोग बा ज्यादातर कमजोर लोग बा हां थोड़ा सा मजदूर लोग बा ज्यादातर कमजोर लोग बा ये जंगल में शेर बाघ ना बहुते आदम फोर लोग भाई एक श्रोता है में नहीं भाई भाई सब लोग 24 कैरेट के श्रोता बा एगो 25 कैरेट के श्रोता है जब बैठल रह बाकी हमारा बेरू नहीं सुन लोग जलज के का काम लोकेश हाँ लोकेश देखिए सर्वेश जी के बहुत बिकी एगो मने कल्पना से परे चीज बा हमरा अल्लामा इकबाल के शेर याद करता अपन जवार में गांव में सर्वेश तिवारी असन रतन के देखे कि भाई नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किस्त वीरा से जरा नम होते ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी जिनकी उर्वरा रक्त गरबा बसंत तो कहता नहीं कि कुछ सामर कुछ गोर लोग रवि जी कुछ सांवर कुछ गोर लोगा कुछ साधु कुछ चोर लोगा ये बात कुछ सांवर कुछ गोर लोगा कुछ साधु कुछ चोर लोगा और दुनिया में तहरों से जालिम हमरों से हम गोर लोगा अब ऊपर कई ना देख ली के ऊपर से तो पियर धब धब ऊपर से तो पियर धब धब सुंदर सुंदर गोर लोग बा लेकिन भीतर करिया कुछ कुछ पत्थर नियर कठोर लोग बा कि कोई तेरी नगाहे नाच से पटपट के मरता है कोई तेरी नगाहे नाच से पटपट के मरता है कोई दामान आशिक की तरह फटफट के मरता है और मोहब्बत का करण कैसी भी होता है और किसी भी कोई सटसट से मरता है कोई हट हट से मरता है एक बार भोजपुरी में धावा नुगा देखी कि कोई केहू ओरहन भरल पखियन से ही जपटा के मर जाए एक भोजपुरी के भीष्म पितामह संगीत सुबह क्या रही संगीत सुबह थी ऐसा बैठल रही यहाँ के सामने कहे कि हम भीष्मता कर रही कि केहू ओरहन भरल अखियन से ही जपटा के मर जाए केहू जियरा में सपटल आस अस सपटा के मर जाए आ जिया कहके यदि दुनिया से जाए फर्क कितने बा केहू लपटा के मर जाए केहू छपटा के वाह 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 वाह
केहू लपटा के मर जाई, केहू छपटा के मर जाई। देखिए शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा, और पुरखों ने प्राण दे संजोया, परिपाटियों को संतति है सोई, तो अस्तित्व तो कैसे बचेगा। स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त तो जी शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा, और पुरखों ने प्राण दे संजोया, परिपाटियों को संतति है सोई, तो अस्तित्व तो कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया, तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया, तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही, तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। शास्त्रों से प्रमाण देता हूं कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा, तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्धों में। महारथियों का मौन टूटना, तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा, तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। महारथियों का मौन टूटना, तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। और याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के पक्ष में पितामह खड़े थे, और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। और जब राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों की बात आती है, तो शारीरिक विषमता का हवाला देकर कोई भी उन दायित्वों से पीछे नहीं रह सकता। तब कहना चाहूंगा कि देह की बनावट न मानक है विद्वता की, अष्टावक्र कृषि कई कथाएं मिल जाती हैं। और काया हो कुरूप तो भी बाधा बनती नहीं है, सुकरात जैसी गुरुताएं मिल जाती हैं। जिन पंक्तियों को देश में सर्वाधिक प्रेम मिला, उन पंक्तियों को आपके बीच परोसता हूँ कि देह की बनावट न मानक है विद्वता की, अष्टावक्र कृषि कई कथाएं मिल जाती हैं। और काया हो कुरूप तो भी बाधा बनती नहीं है, सुकरात जैसी गुरुताएं मिल जाती हैं। और संगत को देख के बनाओ मत धारणाएं, ऐसी भी कई विडंबनाएं मिल जाती हैं। संगत को देख के बनाओ मत धारणाएं, ऐसी भी कई विडंबनाएं मिल जाती हैं। और देव महलों में मिल जाती मंथराएं, और राक्षसों के घर त्रिजटाएं मिल जाती हैं। राक्षसों के घर त्रिजटाएं मिल जाती हैं। जी सुनाने आए हैं जो रूठे हैं, मी मनाने आए हैं जो रूठे हैं, मी मनाने आए हैं। सबको भौरे गीत सुनाते फिरते हैं, हम भंवरों को गीत सुनाने आए हैं, हम भंवरों को गीत सुनाने आए हैं।